डुमरियागंज और अलवा तहसील के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने दौरा किया। वहीं बाढ़ से पीड़ित लोगों को उन्होंने राहत सामग्री के अलावा आर्थिक सहायता व साड़ी बांटी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश मार झेल रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से मांग है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय अध्ययन दल टीम भेजे, जिससे बिहार की तरह यूपी में भी बाढ़ पीड़ितों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके। वहीं उन्होंने लालू यादव के रैली को गलत बताते हुए कहा कि पूरा बिहार बाढ़ से पीड़ित है और वे अपनी राजनीति कर रहे हैं। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफा की खास रिपोर्ट। नहीं देखिये, इस बार बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश के 25 जिले, बिहार के 21 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। इस बार जितना बाढ़ के प्रलय से जन धन की फसल का नुकसान हुआ है, शायद कदाचित पिछले 20-25 वर्षों में ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। और आप उसका नतीजा देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार पिछले 10 दिनों से बाढ़ प्रभावित सभी जनपदों में स्वयं जा रहे हैं। एक परिवार के लिए बाढ़ से चारों तरफ से जब गांव महरून हो, सिद्धार्थनगर के 400 गांव महरून हैं, 650 गांव प्रभावित हैं, यूपी के 3.5 करोड़ आबादी इस समय बाढ़ से प्रभावित है, 100 लोगों से ऊपर बाढ़ से डूब करके लोगों की मौत हो चुकी है। तो निश्चित तौर से बिहार में दिया है प्रधानमंत्री जी ने, हम उनको धन्यवाद देंगे कि बिहार की बाढ़ की विभीषिका के लिए दिया है। हम उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री को अवगत करा चुके हैं, वो भी मांग करेंगे, हम सब मांग करते हैं कि केंद्रीय अध्ययन दल भारत सरकार की आए और उत्तर प्रदेश के भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जिसमें क्षति बड़े पैमाने पे जन धन फसल की मकान की जो हुआ है विनाशकारी ढंग से, तो उसका आकलन करके और उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार के नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से जिस तरह से बिहार में मिला है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ राहत कार्यों के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। आज पूरा बिहार अगर बाढ़ से प्रभावित है, 500 लोगों की मौत हो चुकी है, आज ये दुख की घड़ी में बाढ़ राहत कार्य करना चाहिए, चाहे सत्ता में हो या किसी राजनीतिक दल से संबंध। और इस समय पटना में आज वो रैली कर रहे हैं विपक्ष की राजनीतिक फायदे के लिए। इससे साफ है कि लालू के मन में कोई बिहार की जनता के बाढ़ से प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने का समय नहीं है, अभी भी उनको राजनीति करने का समय। जब एक तरफ वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी प्रधानमंत्री को बुला करके पूरे बिहार के बाढ़ का सर्वेक्षण करके उसका आकलन करके जहाँ 500 करोड़ बाढ़ के पुनर्वास के लिए बाढ़ राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से सहायता ले रहे हैं, तो आज ये वक्त था कि लालू यादव को बाढ़ में अपनी और अपने पार्टी के लोगों को जाकर के आंसू पोंछने का काम करना चाहिए, न कि राजनीति की रोटी सेकने का काम करना चाहिए था। राजनीति करना होता तो एक महीने बाद जब बाढ़ ख़त्म हो जाती तब भी रैली कर सकते थे।